हम लोग आ गए हैं बयासी घाट पे और कार्तिक महीने के आखिरी में पूर्णमासी के दिन ये नहान लगता है और आज से ददरी मेला का शुरुआत हो जाता है। कल शूटिंग पे गए थे इसलिए बहुत ज़्यादा बॉडी दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था, पैर दर्द कर रहा था, इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं आ पाया, काफ़ी लेट हो गया। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं जबकि घर से आने का प्लान था रात को 3-4 बजे ही, और लोग तो यहाँ कल शाम से ही लोग आके डेरा डाल देते हैं और 12 बजे के बाद स्नान करना चालू कर देते हैं। हमें लेट हो गया लेकिन फिर भी हम आए हैं क्योंकि आज शाम तक पूरा ये मुहूर्त रहेगा। तो ठीक है, आज चलते हैं घाट पर और आपको दिखाते हैं यहाँ का महत्व। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं, फिर भी अभी मैं इतना लेट आया हूँ, सुबह के 10 से 11 बजे आया हूँ, फिर भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की और फायर ब्रिगेड की सारी सुविधाएँ हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाकी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। जो गंगा जल लेके जाना चाहते हैं उनके लिए बोतल की दुकान भी लगी हुई है। देख सकते हैं यूपी पुलिस की पीएससी बल वाले भी यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये गंगा घाट है बयासी का, बलिया से लगभग 7 किलोमीटर दूर। मैं आया हूँ और मेरे साथ कौन आया आप लोग देख सकते हैं। बाबू है जो हेलमेट पहना हुआ है। ये खोल लो, आवाज आएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रशासन की पूरी टीम है, कितनी बड़ी टीम है पूरी प्रशासन की, आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स जो लगी हुई है, ये हम लोग आराम से आ सके, गंगा माता के दर्शन कर सके, पूजा कर सके, इसके लिए ये लोग हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। बाबू नहाने जा रहे हो? हाँ, कपड़ा खोलो, जाओ। ना लिए मजा आया? कितना कितना मजा आया? गंगा जी में स्नान करके हम आ चुके हैं। जितना भी पूजा की प्रक्रिया थी सब खत्म हो चुकी है, हम लोग का पूजा हो चुका है और अब हम लोग चलेंगे वापस।